टीवी सीरियल अनुपमा में सब कुछ ठीक हो रहा है। अनुपमा मौत के मुंह से वापस आ गई है। बीते एपिसोड में डॉक्टर अनुपमा को पहले तो मरा हुआ बता देते हैं और फिर चमत्कार के साथ अनुपमा की जान बच जाती है। ये सुनकर अरमान काफ़ी खुश होता है। ये सुनकर अस्पताल में भी सब डांस करने लगते हैं, बा घर पर गरबा करते हैं। अनुज अनुपमा के साथ ही रहने के फैसले लेता है और आध्या अपने माँ पापा से माफ़ी मांगती है। इस तरह अनुपमा की फैमिली पूरी हो जाती है। अब लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा घर लौट आएगी। अनुपमा का आशा भवन में शानदार स्वागत होगा, लेकिन उसे हॉस्पिटल में भी फेयरवेल मिलेगा। यहाँ पर डॉक्टर भी अनुपमा को फ्लावर देता है और उसे बताते हैं कि क्या करना है। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अस्पताल में धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। अनुज, मीनू, टीटू और आध्या डांस करते हैं और बा आकर डांस करने लगती है। अनुपमा सबको देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ बाला इंदिरा जी को रोज देता है। इसके बाद अनुपमा के खाने पीने का ध्यान अस्पताल में आध्या रखती है। आशा भवन में सब अनुपमा के आने की तैयारी करते हैं। सब लोग मिलकर रंगोली बनाते हैं और इस दौरान सब लोग हंसी मजाक करते हैं। तभी बा अनुपमा के लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर लाती है और अपने पति हसमुख को भी देती है। ये देखकर हसमुख बहुत खुश होता है। तभी सागर और मीनू के थोड़ा थोड़ा रोमांस होता है। बाला दोनों का ध्यान रखता है। तब तोशु उन्हें देख लेता है, लेकिन पाखी उन्हें रोक लेती है। इसके बाद अस्पताल से अनुपमा को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन यहाँ भी उसका फेयरवेल मनाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं।